कल एक खबर पढ़ के बड़ी हैरानी हुई। खबर में लिखा था कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने उन 6 अधिकारियों के नाम राष्ट्रपति मेडल के लिए दिए हैं जिन 6 अधिकारियों ने किसानों पर गोली चलवाने के आदेश दिए थे। उनमें 3 आईपीएस अधिकारी हैं और 3 हरियाणा सिविल सर्विस के अधिकारी हैं। समझने की बात यह है कि जिन अधिकारियों ने गोली चलाकर एक किसान की जिंदगी छीन ली, 5 किसानों की आंखों की रोशनी छीन ली, 433 किसान घायल कर दिए, अब उनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किए जाने की सिफारिश हरियाणा की भाजपा सरकार कर रही है। 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि अपने ही लोगों पे गोलियां चलाने वालों को सम्मानित करने की बात की जा रही है। पहले नारा दिया जाता था जय जवान जय किसान, लेकिन अब किसानों को गोली मारने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। जिन किसानों ने हरित क्रांति लाई, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का काम किया, जिन किसानों के पूर्वजों ने देश की आजादी के आंदोलन में सबसे अधिक योगदान दिया और पूरे देश में जितने लोग फांसी के फंदे पे झूले थे देश की आजादी के लिए, उसमें से 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे, उन किसानों पर अत्याचार करने वालों को अब सम्मानित किया जा रहा है। एक ये नई रिवाज हमारे देश में शुरू की जा रही है। आपको याद होगा जलियांवाला बाग में जिस जनरल डायर ने हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, उस जनरल डायर को भी सम्मानित किया गया था। यानी 47 से पहले गोरे अंग्रेज हमारे देश की जनता पर अत्याचार करते थे और उनको सम्मानित किया जाता था। 1947 के बाद अब फिर से वही दौर आ गया। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये काले अंग्रेज अपने लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और भाजपा व आरएसएस की सरकार उनको सम्मानित करने की बात कह रही है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर ये अधिकारी इतने ही बहादुर हैं, अगर ये अधिकारी इतने ही वीर हैं, तो क्यों नहीं इनको जम्मू के डोडा पुंछ राजौरी में भेजा जाता, वहां उनको भेजा जाए और कहा जाए कि वहां ग्राउंड पे जाके आप ऑपरेशन लीड कीजिए। वहां पे अनेकों विदेशी आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिन विदेशी आतंकवादियों के पास स्टील की बुलेट है, वो बार बार हमारे जवानों पर हमला करके हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं और बाद में जंगलों में गहरी गुफाओं में जाके छिप जाते हैं। इन अधिकारियों को वीर और बहादुर तो तब माना जाएगा ना जब ये जाएं पुंछ और राजौरी के जंगलों में, वहां जाके ऑपरेशन लीड करें, ग्राउंड पे जाके कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस का नेतृत्व करें। यहां निर्दोष और निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना कोई बहादुरी होती है क्या? अपने ही लोगों के ऊपर जो शांतिपूर्ण खड़े थे उनके ऊपर जहरीली गैसों का इस्तेमाल करना कोई बहादुरी होती है क्या? बहादुरी तो तब पता लगेगी जब आप वहां डोडा किश्तवाड़ पुंछ राजौरी में जाओगे और ऑपरेशन लीड करोगे। जिस तरीके से कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष ढोंचक अनंतनाग में विदेशी आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए, वो बिल्कुल फ्रंट से ऑपरेशन लीड कर रहे थे, वो बहादुरी होती है, वो वीरता होती है। अपने ही निर्दोष और निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाना वीरता और बहादुरी नहीं बल्कि कायरता और बुद्धिजिलपना होता है। अब ये देश के लोगों को तय करना है कि देश के लोग इस चीज का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे। यदि आज भाजपा के इस फैसले का विरोध नहीं किया गया तो फिर आप इस बात को मान के चलिएगा कि आगे जब भी कोई आंदोलन होगा, सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, जब कोई मजदूर आंदोलन करेंगे, जब कोई कर्मचारी आंदोलन करेंगे, तो ये सरकार गोलियों के माध्यम से उनको कुचलने का काम करेगी। और जो अधिकारी राजनेताओं के इशारों पे, सरकार के इशारों पे गोलियां चलवाएंगे, उन अधिकारियों को फिर सम्मानित किया जाएगा, उन अधिकारियों को फिर बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए आज जरूरी है कि पूरा देश इस मुद्दे पर एकजुट होके इस फैसले का विरोध करे और सरकार को यह स्पष्ट संदेश दे दे कि जो अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाएंगे, अपने लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे, उनको सम्मान करने की बात तो दूर, उनको सजा दिलवाने की लड़ाई ये देश की जनता लड़ेगी। ये हमें आज फैसला लेना होगा ताकि सरकारों को एक सख्त और स्पष्ट संदेश जा सके।